सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम ओपन करेंगे 2.46 वायरलेस कंट्रोल गेम रैट। ये मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया है एंड ये मैंने इसलिए परचेस किया है क्योंकि मुझे ऑलरेडी मेरे पास 3D गेम है, बट जो ओल्ड स्कूल का जो गेम्स थे, कॉन्ट्रा, मारियो, रोड फाइटर, बम्पर मैन, सो हम लोग वो पिक खेलते थे, करेक्ट। तो मुझे उनका बहुत शौक़ है तो मैंने सोचा कि ये लिया जाए और इस बार इसको खेलेंगे हम लेने के बाद, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे गेम लगते हैं। तो इसलिए मैंने वो ख़रीदा और इसको हमने ओपन कर रहे हैं आपके सामने और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है इस बॉक्स के अंदर। ये मुझे आया है अराउंड, प्राइस इसका अभी रिवील करें या बाद में रिवील करें? चलो अभी रिवील कर देते हैं। ये मुझे 2000 रुपये में आया था, ऑनलाइन इट्स कॉस्टिंग अराउंड 3000। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है, ओपन करते हैं। मैंने इसकी ऑलरेडी यहाँ लगी हुई थी लॉक, वो मैंने निकाल दिया है, पहले निकाल दी थी। एनीवेज लेट्स सी क्या इसके अंदर मिलता है। इसके अंदर ये है कुछ, आई थिंक ये होगी स्टिक। ओके, मैं इसको ओपन करता हूँ। एक HDMI पिन है एक्सटेंशन के लिए एंड आई थिंक या हमारा यहाँ पर रिमोट है। मैं एक बार इसको जल्दी जल्दी ओपन कर लेता हूँ। दो रिमोट हैं हमारे पास और इसके साथ एक कनेक्टर है जो कि अडॉप्टर में लगेगा स्टिक को चार्ज करने के लिए। और कुछ है? नहीं, और कुछ नहीं है। ओके, इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर क्या है। ओके, ये है वो स्टिक जो कि इस HDMI पिन में लगेगी और आपके TV में जाके कनेक्ट होगी। HDMI पिन है ये और सारी गेम्स इसके अंदर हैं एंड ये छोटा सा सेंसर जिसके थ्रू आपके ये वायरलेस रिमोट बोथ द रिमोट्स जो हैं कनेक्ट हो जाएंगे आपके। और इसमें जॉयस्टिक भी दे रखी है जिसके आप खेल कंट्रोल कर सकते हैं एंड एरोज भी दे रखे हैं, यू कैन कंट्रोल सेलेक्ट बटन। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो अच्छी है बिल्ड क्वालिटी, एक फील गुड फैक्टर आता है। एंड अब मैं इसको सबको अरेंज करके आपको बताता हूं कि ये कैसे TV में इंस्टॉल होगा और कैसा ये दिखता है जब ये प्ले होता है तो। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने इसको पूरा ओपन कर लिया है जैसे कि मैंने बताया था। और अब जैसे कि मैंने बताया इसमें दो रिमोट मिलते हैं हमको, तो ये रहे वो दो रिमोट। एक HDMI पिन मिलती है एक्सटेंशन के लिए और एक मिलती है कॉर्ड जो कि आपके इस गेमिंग स्टिक में लगती है और इसको चार्ज करती रहती है साथ साथ। बेसिकली दिस नीड्स करंट एंड ये छोटी सी सेंसर टच जो आपके वायरलेस रिमोट को और अच्छे तरीके से चलने में आसानी देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टिक का कैप को ओपन करेंगे और इस स्टिक में सबसे पहले हम इस HDMI एक्सटेंशन को लगा देंगे और ये कनेक्शन जाएगा आपके LCD में। ये और ये प्ले होगी HDMI 1, 2, 3, जिनके पास HDMI पिन्स दे रखे होते हैं ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5। सो ये उसमें प्ले शो करेगा जब ये TV में लगेगा। और इसके साथ ही हम लोग ये सेंसर पिन भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ये हो गया। और इसके बाद जो लास्ट है जो इस स्टिक को करंट देगा, ये एक्स्ट्रा वायर जो कि इसी स्टिक में कनेक्ट होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें हमको ये जो पॉइंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास जो फ़ोन होते हैं अडॉप्टर्स, उनका प्लग हमें एक चाहिए पड़ेगा जो मेरे पास ऑलरेडी था एक, तो और जिसके थ्रू हम इसको चार्ज करेंगे। तो ये मेरे पास था इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये आपके घर में होगा तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसको एक करंट चाहिए चार्ज होने के लिए साथ साथ।
और यू कैन से चलने के लिए। सो इसको हम इसमें लगा देंगे। अभी आपका सेटअप बिल्कुल रेडी है और हाँ, इसमें आप बैटरी डाल देंगे ताकि ये रेडी हो जाए। और यहाँ पर एक ऑन ऑफ का बटन रहेगा, इसको आपको ऑन करेंगे। ऑन करते ही ये लाइट्स ब्लिंक होंगे यहाँ पे, दैट मीन्स आपका रिमोट काम करता है। और ऐसे ही आप इसमें भी सेल डाल देंगे और इसको भी आप ऑन कर देंगे इस बटन को ऑन करके। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि ये आपके HDMI पिन में लगेगा, जो सेटअप मैंने लगाया है टीवी में अपने LCD में। सो HDMI 1, 2, 3, तो मेरे पास तीन ऑप्शन हैं। सो HDMI 1 में मैंने लगाया इसको। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन के ऊपर मैंने HDMI पिन से उसको कनेक्ट कर दिया है LCD में और ये प्ले हो रहा है। और मैंने उसको जूम कर दिया तो कंप्लीट स्क्रीन पे हमारे ओल्ड गेम्स की लुक आ रही है। नाउ ये जैसा कि मैंने बताया था, जो रिमोट है आप इसको ऑन करेंगे एंड लाइट ब्लिंक हो रही है। यहाँ पे R and L लिखा हुआ है, यहाँ पे 1, 2 and 1, 2। इससे आप नेविगेट कर सकते हैं कि आपको हिस्ट्री में जाना है R दबा के, सर्च में जाना है आप सर्च कर सकते हैं अपने मनपसंद की जो आप गेम ओल्ड गेम खेलना चाहते हैं। सो जैसा कि मैं इसमें ऑलरेडी गेम खेल चुका हूँ, तो इनसे आप जॉयस्टिक से नीचे आएंगे, सारे ओल्ड गेम मारियो, कॉन्ट्रा, रोड फाइटर, सब के सब FC में हैं। बेसिकली क्लास ऊपर जो लिस्ट दिख रही है, ऊपर जो कैप्शन दिख रहे हैं, लिस्ट, क्लास, हिस्ट्री, सो ऑल ओल्ड गेम्स आर इन FC फोल्डर। सो आप FC में आएंगे और इसको सेलेक्ट करने के लिए आप A दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे सारे गेम आ जाएंगे जो हम खेलते थे, लाइक कॉन्ट्रा, मारियो, रोड फाइटर। सो लेट मी शो यू हाउ कॉन्ट्रा लुक्स लाइक व्हेन यू प्ले हियर। यहाँ पर आपको इनको सेलेक्ट करना है, वन प्लेयर खेलना है। अगर आप दो प्लेयर हैं तो नीचे का जॉयस्टिक से नीचे करेंगे और दो के साथ खेलेंगे। और इस तरीके से आप बेहतरीन अपने ओल्ड मेमोरीज को याद करके इन्जॉय कर सकते हैं इस गेम को, क्योंकि मैं तो बहुत मज़े करता हूँ जब मैं इस गेम को खेलता हूँ। पॉज करता हूँ। तो अगर आपको इससे बाहर आना है तो आपको सेलेक्ट और स्टार दबाएंगे तो आप इस मेनू में आ जाएंगे। और इस जॉयस्टिक के साथ आप टॉगल करके, जैसे आपको गेम को क्विट करना है, आपको मेन मेन्यू में आना है, तो आप A दबाएंगे, दोबारा से आप मेन मेन्यू में आ जाएंगे। एंड इस आर्क से जो फर्स्ट है R1, इसको दबाएंगे तो ऊपर स्क्रॉल होगी, नॉट स्क्रॉल, ऊपर नेक्स्ट टैब में जाएगा। और ये मेरी हिस्ट्री है, मैं ये सारी गेम्स खेलता हूँ रोज, तो यहाँ पर ये कैप्चर हो जाएंगी। सो आपको बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं और आप यहाँ से खेल सकते हैं। जैसे मैं आपको रोड फाइटर खेल के दिखाता हूँ। अभी हम रोड फाइटर पे हैं, A बटन दबाएंगे रिमोट में और ये स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आप अपना इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। सो लाइक दिस आप अपने ओल्ड मेमोरीज को याद करिए और गेम को मज़े से इंजॉय करिए। होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल नेम इज़ HS Wiki Vlogs। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।